हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हम अभी तक पहले 7 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और आज हम 8th चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोलिंग के मीनिंग और कंट्रोलिंग के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का 5th फंक्शन है। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? स्टूडेंट, जब आपने प्लानिंग करी थी तो आपने स्टैंडर्ड्स, टारगेट सेट करे थे कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो बेसिकली आप यह देखते हो कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उन स्टैंडर्ड्स को हम अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल में काम हो रहा होगा तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे एंड देन वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड का मतलब है जो आपने टारगेट सेट करे थे, आप उन स्टैंडर्ड्स के साथ उसको कंपेयर करके देखोगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज पर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट। अगर वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं है तो हो सकता है कुछ डेविएशंस आए। डेविएशंस का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, डेविएशन नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, नेगेटिव का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो अगर नेगेटिव डेविएशन है तो हम उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि डेविएशन क्यों आ रही है। देन वी टेक द करेक्टिव एक्शंस। हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे जिससे कि वो डेविएशन दूर हो जाए और अल्टीमेटली हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो बेसिकली कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे एंड इफ देर इज एनी डेविएशन, इफ देर इज एनी शॉर्टकमिंग, देन करेक्टिव एक्शन इज टेकन सो दैट अल्टीमेटली वी आर एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि प्लान्स को फॉलो किया जा रहा है, अदरवाइज इस चीज को इंश्योर नहीं किया जा सकता कि प्लान्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड फंक्शन, दैट इज डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब कंट्रोलिंग करी क्यों जा रही है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। हम टाइम टू टाइम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं, उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते रहते हैं और डेविएशंस जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी करेक्टिव एक्शन लिया जा सके और हम राइट ट्रैक पे रहें, अल्टीमेटली गोल्स को अचीव कर लें। तो अगर हम इस चीज को इंश्योर करते रहेंगे कि प्लान्स को फॉलो किया जा रहा है और एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज पर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो उस केस में हम इंश्योर कर सकते हैं कि गोल्स को अचीव किया जाए। तो कंट्रोलिंग जो करी जा रही है वो इसलिए ही करी जा रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव किया जा सके। कोई भी कमी आ रही है वो कमी हमें साथ के साथ पता चल जाएगी, हम साथ के साथ करेक्टिव एक्शन ले लेंगे ताकि अल्टीमेटली गोल्स अचीव हो जाएं। तो कोई पूछे व्हाई कंट्रोलिंग इज डन, टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू अचीव द गोल्स। इफ एनी प्रॉब्लम इज कमिंग, इफ एनी डेविएशन इज कमिंग, दैट डेविएशन इज करेक्टेड एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल सो दैट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वी आर एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देन फॉरवर्ड लुकिंग, कुछ लोग कह देते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग भी है क्योंकि कंट्रोलिंग में हम पास्ट को भी देखते हैं। पास्ट में हमने स्टैंडर्ड्स क्या सेट करे थे उसको भी देख रहे हैं, पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसको भी देख रहे हैं, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू रिमूव दोज डेविएशन इन फ्यूचर। हमारा पर्पस क्या है कि जो कमियां आ चुकी हैं उन कमियों को हम फ्यूचर में रिपीट ना होने दें। पास्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि जो डेविएशंस आ गई हैं उनको हम फ्यूचर में हटा दें टू मेक फ्यूचर प्लान्स मोर इफेक्टिव, ताकि हमारे फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं।
द कंट्रोलिंग इज बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग, वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर, वी वॉन्ट टू मेक फ्यूचर प्लान्स मोर इफेक्टिव, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द डेविएशंस और द शॉर्टकमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग प्लान्स सो दैट दोज शॉर्टकमिंग्स कैन बी रिमूव्ड एंड इन फ्यूचर वी आर एबल टू मेक बेटर प्लान्स। तो कंट्रोलिंग में हम फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, पास्ट के बारे में नहीं देख रहे हैं। देन परवेसिव, परवेसिव दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, सभी लेवल्स पे, जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, सभी लेवल्स पे कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, मिडल लेवल मैनेजमेंट भी कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, ऑपरेशनल लेवल भी कंट्रोलिंग का काम कर रहा है अपने अपने एरियाज के अंदर। उसके अलावा ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे क्लब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंट्रोलिंग का काम होता है। तो हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है विच इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। देन बेस्ड ऑन प्लानिंग वी कैन से प्लान कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, अगर प्लानिंग ना हुई हो तो कंट्रोलिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब टारगेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जो वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने सेट करी थी वो कब सेट करी थी, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। तो अगर हमने प्लानिंग ना करी होती, हमने स्टैंडर्ड्स को सेट ना करा होता, बेसिकली प्लानिंग में आपने क्या करा था, स्टैंडर्ड सेट करे थे। अगर आपने वो स्टैंडर्ड सेट ना करे होते तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर करते, आपको डेविएशंस का कैसे पता चलता, आप करेक्टिव एक्शन कैसे ले पाते। तो बेसिकली कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगर होगी तभी पता चलेगा कि डेविएशंस है या नहीं, तभी करेक्टिव एक्शंस लिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। देन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यूअसली आपको कंट्रोलिंग करते रहना पड़ेगा। प्लान्स बन रहे हैं, बनने के बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर मेजर कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस बेसिस के ऊपर आप करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो। तो ये कंट्रोलिंग का काम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चलता रहता है। करेक्टिव एक्शंस में क्या हो सकता है, अगर जो डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन आ रही है, परफॉर्मेंस कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। कई बार एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन द स्टैंडर्ड्स, तो हो सकता है आपने स्टैंडर्ड्स ही लो सेट कर रखे हो, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो। तो ये काम आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर करते हो। कंट्रोलिंग नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, कभी भी खत्म नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर आप कंट्रोलिंग का काम करते रहते हो, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर करना, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर डेविएशंस पता करना, और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस लेते रहना। तो कंट्रोलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलने वाला काम है। द लास्ट इज एक्शन ओरिएंटेड, लीड्स टू करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग में आप सबसे लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेते हो। अगर आप करेक्टिव एक्शन ना लो तो फिर कंट्रोलिंग का कोई फायदा ही नहीं है। सपोज आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, आपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर भी कर लिया, आपने डेविएशंस भी पता कर ली, उन डेविएशंस का कारण भी, रीजन भी पता कर लिया, बट आप रीजंस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कोई करेक्टिव मेजर नहीं लेते, फिर कंट्रोलिंग करने का फायदा ही नहीं है। तो कंट्रोलिंग ऑलवेज लीड टू टेकिंग सम करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज अ डेविएशन। अगर डेविएशंस पता करने के बाद हम चुप बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर डेविएशंस पता करने का कोई फायदा नहीं है। तो कंट्रोलिंग इज ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड, वी ऑलवेज टेक द करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डेविएशन। ठीक है, अगर डेविएशन नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो उस केस में हो सकता है स्टैंडर्ड्स वगैरह को रिवाइज करना पड़े, बट डेविएशंस जनरली होती हैं और हम हमेशा करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंट्रोलिंग के फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है, ताकि जब पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने का टाइम आए तो क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। तो कंट्रोलिंग की का मतलब अगर हम देखते हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कंट्रोलिंग में भी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लैंड परफॉर्मेंस। If there is any difference or deviation, then finding the reason for such difference and taking corrective action.
टू स्टॉप द रीजन सो दैट इन फ्यूचर देर इज अ मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लैंड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, प्लैंड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, अगर कोई डेविएशन आ रही है तो उसका रीजन पता करना और करेक्टिव एक्शन लेना ताकि फ्यूचर में एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच हो जाए और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए. इन अदर वर्ड्स कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर्स एंश्योर दैट वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स और प्लान्स लेड डाउन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी. वही बात है, हम इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर द शेड्यूल्स हो, एज पर द प्लान्स हो, और अगर कहीं डेविएशन आ रही है तो करेक्टिव एक्शन लेना. आपके एनसीईआरटी में कुंड्स एंड ओडनेल की एक डेफिनेशन गिवन है, मैनेजेरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स. आपने क्या अकम्प्लिश कराया आप उसको स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंपेयर करते हो, डेविएशंस को करेक्ट करते हो ताकि इस चीज को एश्योर किया जा सके कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें. तो बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, डेविएशंस पता कर रहे हैं और उनको रिमूव करने के लिए करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं. यह हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है. फीचर्स में मैंने आपको फर्स्ट बताया गोल ओरिएंटेड. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कंट्रोलिंग हमेशा गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है. इट एंश्योर्स दैट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस कंफर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. कंट्रोलिंग एंश्योर करती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमेशा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आए. मिस्टेक्स आर लोकेटेड क्विकली. कहीं पर भी कोई कमी आ रही है फटाफट से लोकेट हो जाएगी. एन अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन आर टेकन. और हम रेमेडियल एक्शन साथ के साथ ले लेंगे. डज इट ऑलवेज एम एट अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली. तो कंट्रोलिंग हमेशा हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है. देन फॉरवर्ड लुकिंग, मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर एज पास्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. पास्ट को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते. इट एनालाइजेज द पास्ट परफॉर्मेंस इन द लाइट ऑफ स्टैंडर्ड. हम पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, डेविएशंस पता कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ करेक्टिंग सच डेविएशंस इन फ्यूचर. हमारा पर्पस क्या है कि वो डेविएशंस फ्यूचर में रिपीट ना हो. दस कंट्रोलिंग इंटेंड्स टू मेक फ्यूचर प्लान्स मोर इफेक्टिव. तो कंट्रोलिंग का पर्पस है फ्यूचर में जो हमारे प्लान्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं. देन परवेसी मैंने बताया प्रेजेंट एवरीवेयर. मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सभी लेवल्स पे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन टू कीप अ कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज इन देयर एरियाज. तो सभी लेवल्स पे कंट्रोलिंग की जरूरत है. मोर ओवर कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री, हॉस्पिटल एंड अ क्लब एज इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी पर कंट्रोलिंग की जरूरत है. तो जब सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सभी लेवल्स पर कंट्रोलिंग की जरूरत है तो हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है. देन बेस्ड ऑन प्लानिंग, मैंने आपको कहा डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग. कंट्रोलिंग मेक सेंस ओनली इन द लाइट ऑफ प्लानिंग ऑलरेडी मेड. कंट्रोलिंग का कुछ सेंस निकल के आएगा या पॉसिबल है जब प्लान्स आपने बना रखे हों. कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली क्लियर टारगेट्स एंड गोल्स हैव बीन फिक्स्ड ऑलरेडी. जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे या गोल सेट करे थे वो आपने पहले से ही सेट कर रखे हैं. दस प्लानिंग में भी सेट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोलिंग. तो हम कह सकते हैं प्लानिंग कंट्रोल का बेस है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं होगा. देन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज टू बी असेस्ड कॉन्टिन्यूसली. कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो. प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को भी कई बार चेंज करना पड़ता है इन द व्यू ऑफ द चेंजिंग सिचुएशंस. कई बार क्या होता है सिचुएशन चेंज हो गई तो आपको टारगेट्स को भी रिवाइज करना पड़ता है. Thus, controlling is a process of regular measurement. Regular basis पर आप measure कर रहे हो, compare कर रहे हो और corrective action ले रहे हो. तो controlling हमारा एक continuous process है. The last one is action oriented. Controlling implies taking corrective actions whenever required. जहां पर भी corrective actions की जरूरत है हम corrective actions लेंगे. If control does not lead to any action, then a manager cannot ensure actual performance as per the standards. अगर हम action नहीं लेंगे, कोई करेक्शंस नहीं करेंगे, करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे, तो हम इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकते कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो. अ गुड कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट्स टाइमली एक्शन सो दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तो हम टाइमली एक्शन लेंगे जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज कम से कम हो. तो स्टूडेंट्स ये था कंट्रोलिंग का मतलब और कंट्रोलिंग के फीचर्स. उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.